Design Thinking किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करके कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपनी इस मार्केट शेयर को बढ़ाना अपनी ग्रोथ को बढ़ाना तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास दो तेक्निक हो सकते हैं दो तरीके हो सकते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने का पहला कि वो प्रोडक्ट को डेवलप कर दे और उसके बाद बताए कि एंड यूजर को कैसे काम आ सकता है ठीक है यानी प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद आप बता रहे हो कस्टमर को ये इस तरीके से आपके काम आ सकता है प्रोडक्ट को परचेज करें या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज को समझें और उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करें तो अगर आप इन दोनों एप्रोच में देखेंगे तो बट ऑर्गेनाइजेशन जो एंड यूजर को बेनिफिट होगा किसली जब आप हमारा प्रॉब्लम समझ के हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उस पर ज्यादा परचेज करेंगे हम उससे ज्यादा सेटिसफाई होंगे तो दूसरा अप्रोच क्या होगा आपके लिए सही होगा तो पहला अप्रोच क्या हो जाएगा रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा यानी कि आप पहले प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद कस्टमर को बताओ कि कैसे काम आ सकता है जो तो, तो तो दूसरा अप्रोच है कि एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज को समझ के आप जो है प्रोडक्ट बनाते हो तो दैट इज़ राइट अप्रोच और यही डिजाइन थिंकिंग होता है यानी कि आप जब कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझ के एंड यूजर की रियलिटी को समझ कर उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो वही चीज क्या कहलाती है डिजाइन थिंकिंग कहलाती है तो डिजाइन थिंकिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो दैट इज़ अ इट इज अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजिंग द कंज्यूमर्स नीड एवर ऑल एल्स यानी कि बाकी सभी चीजें छोड़ के जब आप कंज्यूमर्स की नेट को प्रायोरिटाइज़ करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कोई चीज डेवलप करते हो तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग विथ एम्पैथी हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ एन्वायॉयमेंट अब कोई भी जो पीपल जो पीपल्स होते हैं वो चारों तरफ से किसी न किसी चीज़ों से घिरा हुआ है उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इन्वायमेंट्स में कैसे इंटरेक्ट करना है उसी से प्रॉब्लम जनरेट होती हैं तो पीपल कैसे इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायमेंट से उस चीज़ को समझ कर विथ एम्पैथी यानी कि उसकी फीलिंग्स को समझ कर जब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ या अप्रोच लगाते हो इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप करने के लिए तो उसी को हम क्या कहते हैं डिजाइन थिंकिंग कहते हैं ठीक आपने पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने मेंट को वहां से प्रॉब्लम जनरेट होती है उसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हो ऑब्जर्व करके जब आप क्रिएटिव इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप करते हो तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग इज ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन थिंकिंग क्या होता है वो ह्यूमन सेंटर्ड होता है यानी कि आप एंड यूजर की प्रॉब्लम को समझते हो उसकी फीलिंग्स को समझते हो उसके बाद फिर आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करके क्रिएटिव सोल्यूशंस जो है बनाते हो विच मींस ह्यूमन टर का मतलब क्या हो गया विच मींस दैट इट यूजेज एविडेंस ऑफ हाउ कंज्यूमर्स यानी ह्यूमस एक्चुअली एंगेज विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स कैसे जो है इंगेज होंगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के इस चीज को यहाँ पे जो है कंसिडर किया जाता है रेदर देन हाउ सम एल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स दे विल इंगेज विथ इट यानी कि आप क्या सोचते हो कि कंज्यूमर कैसे एंगेज होगा इसको ना सोच के कंज्यूमर एक्चुअली में कैसे इंगेज होगा इस चीज को समझा जाता है डिजाइन थिंकिंग में और इसके बाद जो है प्रॉब्लम जो क्रिएटिव इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं उसको डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है वो चाहे कार पार्किंग का इशू हो सकता है या फिर वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारे केसेज आते हैं तो वेंटिलेटर्स की कमी पड़ जाती है तो कैसे उसको जो है सॉल्व आउट किया जाता है या फिर प्रोवाइडिंग हेल्दी मील स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स में जो है हेल्दी uh, जो है मील मिड डे मील चलता है तो वहाँ पर कैसे आप हेल्दी मील प्रोवाइड कर सकते हो तो कोई भी इशू हो सकता है तो कैसे आप जो है कस्टमर्स को या एंड यूजर्स की नीड को उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसके बाद जो है क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स की नीड को समझकर उसके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज क्रिएटिव इनोवेटिव सोल्यूशंस बनाना दैट इज डिजाइन थिंकिंग तो यहाँ पे उसके कुछ प्रोसेस होते हैं तो नॉमली फाइव स्टेप होते हैं पहला होता है एम्पथाइज एम्पथाइज में क्या होता है कि आप जो है कस्टमर्स की फीलिंग्स को समझते हो कस्टमर को क्या चाहिए उस चीज को समझते हो लर्न अबाउट दी यूजर्स फॉर होम यू आर डिजाइनिंग यानी कि जिसके लिए आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो पहले उसके बारे में आप समझ तो जाइए कि वो है क्या उसका बैकग्राउंड क्या है उसकी एजुकेशन क्या है उसका एज क्या है उसका पैटर्न क्या है ठीक अंडरस्टैंड द द नीड एंड 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 प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू अब आप कैसे उसको समझ सकते हो उसको ऑब्जर्व करके उसका इंटरव्यू लेके उसकी प्रॉब्लम्स को उसकी नीड्स को उसके बैकग्राउंड को आप समझ सकते हो यानी कि हु इज माई यूजर वॉट मैटर्स टू दोज यूजर्स ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप इंपेथाइज कर लेते हो यानी कि उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल लेते हो यूजर के बारे में तब आप क्या करते हो अगला स्टेप दैट इज डिफाइन अब आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे डिफाइन डिफाइन द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू यानी कि जो भी आपने डिटेल्स डेटा निकाला एंड यूजर्स से ऑब्जर्व करके इंटरव्यू करके उसके बेसिस पे आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करिए कि क्या प्रॉब्लम है एक्जैक्टली exactly? कि सपोज करें कि कहीं पर पानी की दिक्कत हो तो यहाँ पे उन यूजर्स की दिक्कत क्या हो सकती है कि ये यूजर्स जो है यहाँ से दस किलोमीटर पैदल जाते हैं सर पर मटकर रख के जाते हैं उसके बाद पानी लेके आते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करिए ठीक है वॉट आर देयर नीड और प्रॉब्लम इस चीज़ को डिफाइन करें जब आपने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया तो अगला स्टेप आता है दैट इज़ आइडिएट अब आज आप जो है उसके लिए आइडिया निकालिए कि कैसे वो जो 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं पानी लाने के लिए उसको कैसे हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ब्रेन स्टॉम ब्रेन स्टॉम एंड कम अप विथ एज मनी क्रिएटिव सोल्यूशन एज पॉसिबल तो आइडिएट में क्या करते हैं हम कि ब्रेन स्टॉमिंग करते हैं यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आइडियाज डेवलप करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ यहाँ पर डेवलप किया जाता है थिंक ऑफ सोलूशन टू ईच एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम हर एस्पेक्ट को समझिए आप सपोज करिए कि आपने क्या किया वहां पर पानी का टैंकर लगा दिया और बोल दिया कि पाँच रुपये में दस लीटर पानी आप ले सकते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास वो पाँच रुपये भी ना हो तो वो कहां से यूज करेंगे तो यानी कि आप बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को सोचकर डिफरेंट डिफरेंट सोलूशंस वहां पर जेनेट करिए वाइल्ड आइडियाज इंकरेज इस स्टेज में क्या होता है कि वाइल्ड आइडियाज़ को इंक्रेज किया जाए कि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लाइए कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है जब आप आइडिया डिफरेंट आइडियाज बन जाते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं बेस्ट आइडिया को चूज़ करते हैं उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल एक रफ ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं जिसको आप दूसरों को दिखा सकें भाई आपके आइडियाज़ क्या चल रहे हैं माइंड में जो आइडियाज हैं उसको कुछ ना कुछ एक मॉडल तैयार करेंगे ना तो तभी तो आप दूसरों को दिखाएंगे तभी तो उसके ऊपर जो है कोई काम हो सकता है तो प्रोटोटाइप तैयार करना बिल्ड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर क्रिएटिव आइडियाज़ तो आइडिएट वाले स्टेज में जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ निकाले उसके लिए जो है आप मॉडल तैयार करिए रफ आइडिया ये क्या है इट इज़ अ रफ ड्राफ्ट होता है आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज के लिए ड्राफ्ट तैयार करिए हाउ कैन आई शो माई आइडियाज़ यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे दिखाएंगे तो उसके लिए आप ड्राफ्ट तैयार करोगे तभी तो आप दिखा सकोगे फिर आप जो है ड्राफ्ट तैयार करते हो उस चीज को दिखाते हो आप जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ का अपने प्रोटोटाइप तैयार किया है उसको क्या करोगे टेस्ट करोगे शेयर द प्रोटोटाइप आइडिया विथ ऑरिजिनल यूजर्स फॉर फीडबैक यहाँ पे क्या करते हैं आप उस प्रोटोटाइप को ओरिजनल यूजर्स के साथ जो है फीडबैक के लिए जो है शेयर करते हैं तब आप जो है आप पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है वॉट वर्क एंड वॉट डिड नॉट वर्क अब आपको अगर जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है तो उनमें से बहुत सारे आइडियाज के लिए प्रोटोटाइप बनाया है, तो जो आइडिया बेस्ट रहेगा उसको फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहीं पर अगर कोई कमी रहती है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं तो दैट इज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस आप क्या करते हो पहले आप अपने कस्टमर्स को समझते हो उसके बैकग्राउंड को समझते हो उसके नीड को उसके को प्रॉब्लम समझते हो उसके बाद ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू के बेसिस जो जो भी आपने समझा प्रॉब्लम है आप डिफाइन करते हो उसकी प्रॉब्लम exactly क्या है उसके बाद फिर आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आइडियाज डेवलप करते हो डिफरेंट आइडियाज को डेवलप करके आप उसके लिए जो है कुछ की इंपॉर्टेंट जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं उसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करते हो मॉडल ड्राफ्ट तैयार करते हो रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हो उसके बाद उसको जो है टेस्ट करते हो टेस्ट करने पर जो भी कमियां होती हैं उसको रिमूव करके फिर फाइनली आप क्या करते हो प्रोडक्ट को डेवलप कर कर देते हो तो दैट इज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस तो डिजाइन थिंकिंग का मतलब यहां पे क्या हो गया कि आप कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझकर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट आइडियाज डेवलप करते हैं दैट इज डिजाइन थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग का यूज करके आप कस्टमर्स की नीड को प्रॉब्लम को समझ के जो है क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करके प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं जैसे कि ओरल बी ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया तो ओरल बी ने क्या किया था एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर्स किम सैम कोलिनच को रिक्रूट किया ताकि वो स्मार्टर इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है वो डेवलप कर सके तो मैन्यूफैक्चर ने जो है इन डिजाइनर्स को एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर्स को बोला सजेस्ट किया कि आप जो है ऐसा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाइए जिसमें कि सोफिस्टिकेटेड डेटा ट्रैकिंग फीचर्स भी हो जिसमें कि म्यूजिक प्लेयर भी लगा सके जो कर रहा है जो कस्टमर ब्रश कर रहा है वो अपने सिंगल टूथ कौन से सिंगल uh, टूथ को ब्रश कर रहा है उसको भी वो फील कर सके जम्स को फील कर सके तो यहां पे जो है जो डिजाइनर थे एक्सपर्टीज डिजाइनर्स उन्होंने कहा उन्होंने एडवाइस किया देम टू थिंक मोर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एज अपोज टू देयर ऑन विजन फॉर द प्रोडक्ट यानी कि यहां पर मैनुफैक्चर क्या सोचा था वो वो अपने विजन सोचा था कि हम अपने टूथ में म्यूजिक सिस्टम देंगे हम जो है ऐसा डेटा ट्रैकिंग फीचर्स देंगे तो यहाँ पर जो डिजाइनर्स थे उन्होंने कहा कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंस पर ध्यान दीजिए अपने विजन पर ध्यान मत दीजिए जो डिजाइनर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है कुछ सिंपल एडिशन कर सकते हैं ब्रश में जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रिपोर्ट करते हैं कस्टमर उसको सॉल्व किया जा सकता है जैसे कि आप जो है ऑन द गो यूएस चार्जिंग एड कर दीजिए ठीक है और जो ब्रश हेड्स होते हैं उसको ऑर्डर रिप्लेसमेंट को ईजियर बनाइए तो इससे जो है आपकी सेल्स बढ़ेगी और फाइनली जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग सेल्स और जो है कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे यह चीज़ यही थी डिजाइन थिंकिंग तो डिजाइन एक्सपर्ट जो डिजाइनर जो किम कोहली और सैमहस थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना विजन मत देखिए कि हम ये चीज़ लगा देंगे वो चीज़ लगा देंगे क्या एक्चुअली में वो चीज़ चाहिए कस्टमर को और कस्टमर की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझिए तो कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि इसको जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि जो ब्रश हेड होता है उसको चेंज करने में दिक्कत होती है उसके ऑर्डर रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती थी तो उसको उन्होंने इंप्रूव किया और जिससे कि सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़े तो इस तरीके से जो है डिज़ाइन थिंकर का यूज़ आप जो है प्रोडक्ट डेवलप में कर सकते हैं इसी तरीके से आपने ऊबर ईड्स का देखा होगा तो ओबर ईड्स में भी क्या है इन्होंने जो है प्रोडक्ट को बनाने से पहले सर्विस को बनाने से पहले उन्होंने बाकायदा जो है उस पर रिसर्च किया जो ऊबर ईट्स के डिजाइनर्स थे वो डिफरेंट uh, सिटीज़ में जो है भेजे गए ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड कल्चर को अच्छे से समझ सकें उसके अलावा वो रैपिड फील्ड टेस्टिंग भी करते थे जहाँ पर डिजाइनर्स इंटरव्यू करते थे प्रोटोटाइप डेवलप करते थे पीपल्स के साथ मिलकर रेस्टोरेंट वर्कर डिलीवरी ड्राइवर्स और मील रेसिपियंट्स इन सभी से जो है प्रोटोटाइप डेवलप करके इंटरव्यू भी कर रहे थे ऊबर ईट्स टीम ऑल्सो होल्ड्स इनोवेशन वर्कशॉप है टीम मेंबर्स फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन गेदर टू ब्रेन स्टॉम पॉसिबल इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो है वर्कशॉप भी किया जाता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री क्रिजेंट ट्रेंड्स एंड फूड टेक्नोलॉजी तब जाके ऊबर ईड्स को जो है डेवलप किया गया तो ये जो है डिजाइन थिंकिंग होता है कि आप एग्जैक्टली exactly कस्टमर के नीट को समझिए कि कस्टमर क्या चाहता है प्रॉब्लम कहा आती है के बाद जो है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपकी सेल्स आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी वो दोनों इंक्रीज होगी विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग